हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं निखिल पांडे आपका स्वागत करता हूँ यूपी बोर्ड के नंबर वन यूट्यूब चैनल फॉर्म क्लासेस पर। दोस्तों, इंग्लिश का जैसा कि आपको पता है कि सेट थ्री तक हमने सॉल्व कर लिया था, तो आज हम बात करेंगे सेट फोर का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं उसको सॉल्व कराया जा रहा है। और उसमें भी मैंने 2019 का मॉडल पेपर आपके लिए लाया हूँ, जो कि 2019 के मॉडल पेपर में टोटल 7 सेट होते हैं। हर साल 7-7-7 करके सेट्स होते हैं। तो मैं पिछले 10 साल के पूरे आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा। पहले मैं 2019 के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, जैसे ये कंप्लीट होगा फिर हम 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 तक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारी वीडियोज को पूरा देखते हैं तो आप ये जब मान के चलिए कि 10 ईयर्स के जो पेपर्स हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसेंगे, एग्जाम में आएंगे और उसको आप सही भी करेंगे, सही करके आप आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल पर, मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई जाती है बोर्ड एग्जाम की। तो मैं निखिल पांडे आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो इंग्लिश में 2019 का जो आपका मॉडल पेपर है सेट 4 सेक्शन ए का, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूं। सेक्शन ए में भी मैं आपको पहले पैसेज सॉल्व करा रहा हूं कि पैसेज आपको दिया होगा, आपको उसका क्या करना होगा, आंसर करना होगा। तो क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने लिखता हूँ और आंसर्स भी मैं आपके सामने लिखता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो 2019 मॉडल पेपर में सेट 4 जो आया हुआ था सेक्शन ए का क्वेश्चन का, उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया होगा, दिया होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और उस पैसेज से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन दिए उसको आपको क्या करना होगा, आंसर देना होगा। तो मैंने आपको 3 सेट सॉल्व करवा दिए हैं, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा। आज बारी है सेट 4 की, तो सेट 4 हम सॉल्व करेंगे और सेट 4 को हम समझेंगे। तो आइए समय ज्यादा ना लेते हुए मैं आपको पैसेज पढ़ देता हूं। देखिए आपका पैसेज क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले पैसेज पढ़ देता हूं मैं, उसका थ्रू से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पूछा गया होगा 2019 में उसको मैं बताऊंगा और उसके आंसर मैं करूंगा। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पैसेज आपको दिया गया था और ये छोटा से पैसेज से ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो आपका पैसेज है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप इसको देखें क्या है दिया हुआ है आपका। इट इज ट्रू सर, सेट तानसेन। तो देखिए अब आपको पता चल गया कि तानसेन आ गया तो किस चैप्टर से होगा, तो और इंडियन म्यूजिक। फिर इट इज ट्रू सर, सेड तानसेन, इट इज ट्रू दैट माय म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस बाय द साइड ऑफ द लिविंग हार्मनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर, बट देन देयर इज दिस डिफरेंस, आई सिंग टू द एम्परर्स बिडिंग बट माय मास्टर सिंग्स टू नो मेंस बिडिंग बट ओनली व्हेन द प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम हिज इनेनोस्ट, पढ़ते हैं इसको क्या, इनेनोस्ट सेल्फ, That makes all the difference। यानी कि ये तानसेन के बारे में बात कही जा रही है, जिसमें इस चैप्टर में आपको जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको इस बारे में अच्छे से समझाया भी था और ये चैप्टर मैंने काफी अच्छे से समझाया है। तो अगर ये चैप्टर की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जा करके समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। मैंने आपको सारे पोएम के, प्रोज के, सप्लीमेंट्री के सारे चैप्टर्स को समझाते हुए सॉल्व करवाया है, खत्म करवाया है। तो पैसेज क्या दिया हुआ है, इट इज ट्रू सर, सेट तानसेन, यानी तानसेन अपने टीचर जो उनके गुरु हैं उनकी क्या कर रहे हैं, तारीफ में बता रहे हैं कि इट इज ट्रू दैट माय म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस बाय द साइड ऑफ द लिविंग हार्मनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर, बट देन देयर इज दिस डिफरेंस, आई सिंग टू द एम्परर्स बिडिंग बट माय मास्टर सिंग्स टू नो मेंस बिडिंग बट ओनली व्हेन द प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम हिज इनेनोस्ट सेल्फ। यानी कि जब तक उनके अंदर से आवाज नहीं आती कि नहीं यार मुझे अब गाना चाहिए, वो कभी नहीं गाते। मैं तो राजा के लिए गाता हूँ, इनके दरबार में गाता हूँ, लेकिन मेरे मास्टर कभी किसी के लिए नहीं गाते हैं। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, और यही अंतर है जो कि उन्हें उन्हें महान बनाता है। और अगर मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं उनका 1% भी सीख जाता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने जीवन में बहुत कुछ पा लिया है। तो अब देखिए इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, जो कि आपके 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो क्वेश्चन आपको 2019 के इस सेट में इस पैसेज से दिया गया था। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि व्हाट डिफरेंस डिड तानसेन
नोट इज बिटवीन हिज एंड हिज मास्टर्स म्यूजिक, क्या था क्वेश्चन? ये देखिए दो नंबर के क्वेश्चन पूछे, दो क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं, दो दो नंबर के दो पूछे जाते हैं। तो व्हाट डिफरेंस डिड तानसेन, व्हाट डिफरेंस डिड तानसेन नोटिस्ड ना, डिड तानसेन नोटिस, व्हाट डिफरेंस डिड तानसेन नोटिस बिटवीन, देखिए डिफरेंस के बारे में पूछा जो मैंने अभी आपको बताया था, बिटवीन हिज एंड हिज मास्टर्स, बिटवीन हिज एंड हिज मास्टर्स, मास्टर्स देखिए हम एपोस्ट्रोफीज का यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है म्यूजिक। ठीक, तो व्हाट डिफरेंस डिड तानसेन नोटिस बिटवीन हिज एंड हिज मास्टर्स म्यूजिक, तो वो कौन सा परिवर्तन था, वो कौन सा बोलते हैं ना बदलाव था जो कि तानसेन ने नोटिस किया अपने और अपने गुरु के बीच में, जो अंतर उनको समझ में आया। तो क्या था, इट इज ट्रू दैट माई म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस बाय द साइड ऑफ द लिविंग हार्मनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर, बट देन देयर इज द डिफरेंस, आई सिंग टू द एम्परर्स बिटिंग बट माई मास्टर सिंग्स टू नो मैन्स बिटिंग, बट ओनली वेन The prompting comes from his innermost self that makes all the difference. तो आइए हम यहीं से आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या होगा कि उन्होंने क्या बदलाव देखा था, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं कि what difference did Tansen notice between his and his master's music? तो Tansen noticed that, पहले तो आप ये लिखेंगे तानसेन नोटिस्ड दैट, तानसेन ने क्या नोटिस किया उसके बारे में हमें लिखना है। तो तानसेन ने नोटिस किया कि हिज म्यूजिक वॉज, अभी मैंने पढ़ा, हमने पढ़ा ना, तो हिज म्यूजिक वॉज वुडन, यही था ना, वुडन एंड लाइफलेस, His music was wooden and lifeless, na? Wooden and lifeless. देखिए आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हैं खुद से ना, तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके हम मुझे बता सकते हैं कि आपने इसको खुद से किया, आपको आया है कि नहीं। ठीक, इन क्या कर रहा है, आप कंपेरिजन कर रहा है, इन कंपेरिजन टू, आप किससे कंपेरिजन कर रहा है, हिज मास्टर्स टू, कंपेरिजन टू हिज मास्टर्स म्यूजिक विथ, म्यूजिक विथ लिविंग, देखिए किससे, अब वही चीज दिया हुआ है ना, कंपेयर कर रहा है किससे, अपने मास्टर के म्यूजिक से विथ लिविंग हारमोनी एंड मेलोडी, बस ये लिखते ही आपका आंसर भी सही हो गया और आपको दो मार्क्स मिल भी गए, बस यही आपको लिखना था। तो पैसेज में जो दिया था वही मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है ना, तो व्हाट डिफरेंस डिड तानसेन नोटिस बिटवीन हिज एंड हिज मास्टर्स म्यूजिक, तानसेन नोटिस दैट हिज म्यूजिक वाज वुडन एंड लाइफलेस इन कंपैरिजन टू हिज मास्टर्स म्यूजिक विद लिविंग हारमोनी एंड मेलोडी। तो दो नंबर की यह प्रश्न आपका पूछा था, इसका हल हो गया, आंसर निकल गया। अब देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन आपका है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपसे पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन था जो कि सेकंड आपसे पूछा गया, सेकंड मतलब इसी का बी पार्ट, यानी कि ए और बी दो पार्ट में करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसका जो बी पार्ट था क्वेश्चन वो क्या था, ये तो तानसेन के बारे में होगा कि डिफरेंस क्या था, फिर आपसे पूछा था कि हु वॉज तानसेन टू हुम डिड ही सिंग, क्वेश्चन क्या हो गया, Who was तानसेन, कि तानसेन कौन था, यहां पर होगा क्वेश्चन मार्क, एक नंबर का क्वेश्चन होगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन टू हुम डिड ही सिंग, कि वो किसके लिए गाता था, टू हुम डिड ही सिंग। तो तानसेन का नाम आप लोगों ने काफी बार सुना ही होगा और मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, जा करके सीख सकते हैं कि तानसेन कौन थे और मैंने क्या लिखवाया था उनके बारे में। तो ये देखिए आपको लिखना होगा खुद से,
पैसेज से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि तानसेन कौन थे। तो इसका आंसर होगा कि ये तानसेन, आपको किंग अकबर के बारे में बात हो रही है। तानसेन कौन थे? एक म्यूजिशियन थे। क्या थे? तानसेन वॉज अ म्यूजिशियन। तानसेन वॉज अ म्यूजिशियन। आप ये मत सोचने लगेगा कि अरे यार मुझे तो पता ही नहीं कि तानसेन है कौन, तो मैं उनके बारे में कैसे लिखूं। तो बस तानसेन क्या थे? एक म्यूजिशियन थे, गायक थे। कहाँ के थे? जो अकबर थे उनके कोर्ट में ही तो वो गाते थे, उनके राज्यसभा में तो गाते थे। तो वॉज अ म्यूजिशियन ऑफ किंग, किसके लिए गाते थे? अकबर्स, एपोस्ट्रॉफीज का यूज करेंगे, कोर्ट, किंग अकबर के दरबार में क्या करते थे? ये गाते थे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? टू होम डिड ही सिंग, यानी किसके लिए वो गाते थे? तो ही सैंग टू द किंग, ही सैंग टू द किंग, क्योंकि जब वो राजा के दरबार में गा रहे हैं तो किसके लिए गाएंगे? राजा के लिए तो गाएंगे। तो ये था आपका पैसेज, और ये था इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन। ये आपका पैसेज था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डिफरेंस डिड तानसेन नोटिस बिटवीन हिज एंड हिज मास्टर्स म्यूजिक, जो मैंने आपको बताया सिर्फ आपको वैसे ही लिखना था। फिर सेकंड था कि हु वाज तानसेन, टू होम डिड ही सिंग, इसको भी मैंने आपको आंसर बता दिया। तो सेट 4 आपके खत्म हुए, 4 सेट मैंने आपको बता दिया है, और मैं आपको इसी तरह 3 सेट और बताऊंगा। और 3 सेट बताने के बाद मैं आपका धीरे धीरे जितना भी आपका क्वेश्चन होगा, ना सिर्फ सेक्शन ए का बल्कि सेक्शन बी के भी आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे पिछले 7 सालों के, पिछले 10 सालों के सब आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहें, अभी समय है सिर्फ पढ़ाई करने का, तो आप पढ़ाई करने पर ध्यान दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई मन से कर भी रहे होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपके आप आपको आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द वेरी हेलो वेलकम। अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।